दोस्तों एक समय की बात है, एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दूर के कुएं से पीने लायक पानी लाता था। इसके लिए उसके पास दो मटके थे, जिसमें वो एक डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर अपने कंधे पर उठाया जाता था। उसका एक मटका अच्छा, लेकिन दूसरे मटके में छोटा सा छेद था, जिसके कारण उसका आधा पानी रास्ते में गिर जाता था। पहले वाले मटके को पूरा पानी लाने का घमंड था और वह दूसरे मटके को रोज ताने मारता था। वो कहता था कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हारा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है, तुम्हारा कारण ही किसान का मेहनत बर्बाद हो जाता है, तुम्हें कहीं गिरकर टूट क्यों नहीं जाते, तुम बिल्कुल बेकार हो। यह सुनकर दूसरा मटका उदास हो जाता था। एक दिन वह रोने लगा। किसान ने जब उसे रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? मटके ने जवाब दिया, मेरे अंदर एक छेद है जिसके कारण मेरा आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है, मेरे ही कारण आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। मेरे इसी कमी के बाद भी आप मुझे कभी दोष नहीं दिया, मैं अपनी इस कमी के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर किसान को बुरा लगा और उसको कहा, क्या तुम्हें हमेशा अपने इस कमजोरी के बारे में ही सोचकर उदास रहते हो? क्या तुमने कभी हमारा पानी लाने का और रास्ते का ध्यान से नहीं देखा? अगर ऐसा है तो कल मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जैसे देखकर तुम्हारी ये दुख खत्म हो जाएगा। अगले दिन किसान जब पानी लेने निकला, तब लौटते समय उसने छेद वाले मटके से कहा, देखो रास्ते के किनारे कितने सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। छेद वाले मटके पूरे रास्ते फूलों को देखता रहा और आनंद लेता रहा। जब किसान घर पहुंचा, तब उस मटके का आधा पानी रास्ते में ही गिर गया था। यह देखकर वह मटका फिर से उदास हो गया, रोने लगा। तब किसान ने उसे कहा, दोस्त तुम अभी भी रो रहे हो, क्या तुम्हें ध्यान नहीं दिया? रास्ते में जो रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे वो केवल तुम्हारी तरफ ही थे, दूसरे मटके के तरफ एक फूल नहीं था। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा छेद है, इसलिए मैंने रास्ते में रंग बिरंगे फूलों का बीज बो दिए। तुम्हारे रोज आते समय जो पानी गिरता था पूरा रास्ते सिर्फ तुम्हारे कारण ही सुंदर बिरंगी भरा हुआ फूल खिला हुआ है। फूलों का आनंद लेते रहे और उनका खुशबू लेते रहे। यदि तुम में छेद नहीं होता तो क्या ये संभव होता है? दोस्तों इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो परफेक्ट है, जिसमें कोई कमी ना हो। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। यदि हम अपनी कमियों को केवल नेगेटिव वे में देखेंगे तो हमेशा रोते ही रहेंगे और दुखी रहेंगे, पर यदि हम अपनी कमियों को पॉजिटिव वे में देखेंगे तो शायद उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर मिल पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे किसान ने उस छेद वाले मटके को साथ किया, उसने उस मटके की कमजोरी को उसकी ताकत बना दिया और आज वह छेद वाला मटका दूसरे वाले मटके से ज़्यादा महत्व रखता है। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियाँ सुनते रहिए और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।